ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब। सबसे पहले जो लालू गांव में घटना हुई है उसके लिए, उस बेटी के लिए मेरी शोक संवेदना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही गलत और बहुत ही भयंकर घटना है। और बीजेपी ने जब सत्ता में आई तो उससे पहले नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, का यही बेटी बच रही है, ऐसे बेटी कैसे पढ़ेंगी। आज लालू गांव में दहशत का माहौल है, जो और बच्चियां हैं वो डर की वजह से स्कूल नहीं जा रही हैं और बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। ये बेटी लालू कांड में पेट्रोल डाल के जिंदा जला दी गई, आज तक पुलिस ने एक भी हत्यारे को नहीं पकड़ पाई है, ना कोई सुराग ले पाई है। उससे एक दिन पहले वहीं दयाल बांग में एक बीटेक की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। आए दिन पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अब बताइए, जो सरकार जो बनी थी, इस सरकार ने लोगों को विश्वास दिलाया था कि हम बेटियों को सुरक्षित रखेंगे, बेटियों को सम्मान देंगे, और सरकार के मुख्यमंत्री तक ने वहाँ आना मुनासिब नहीं समझा। उस बेटी के घर पे, उस बेटी के परिवार के आंसू पहुँचने ही आ जाते। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था, जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है, उसका पुरजोर विरोध करती है। और क्योंकि इस सरकार ने कानून व्यवस्था पर लोगों को विश्वास दिलाया था कि कानून व्यवस्था हम अच्छी करेंगे, आए दिन इस प्रकार की ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि चलो ये घटना संज्ञान में, बहुत सी ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जो लोगों के संज्ञान में नहीं आ पाती हैं, जहाँ सोशल मीडिया नहीं पहुँच पाता है। आए दिन ऐसी घटनाएँ हो रही हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों लोगों ऐसे इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। समाजवादी पार्टी और बीजेपी की जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई, उसका पुरजोर विरोध कर। ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मतलब।